हेलो बच्चों, ज्योति जीजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं फोर्थ का एडिशन बच्चों, और एडिशन में हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखी हमने, और वर्टिकली भी पहले देखी थी, लेकिन पिछले वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल ऐड करने के लिए बार का इससे देखना पड़ेगा हमें वो नंबर को, और एडिशन करनी पड़ेगी। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वहां से आप देख लेना बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए। चलिए तो हम देखते हैं, मैच द इक्वल नंबर्स इन थ्री कॉलम्स। थर्ड क्वेश्चन है तो आपका 18 पेज पर थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या है देखिए, मैच द इक्वल नंबर्स इन द थ्री कॉलम्स। तो हमें थ्री कॉलम दिए हैं बच्चों, एक में हमें लिख के दिया है कितने प्लस कितने, एक में नंबर्स दिए हैं, वर्ड में दिया है, हमें नंबर वर्ड में दिया है। तो ये वर्ड नंबर है और ये हमारा नंबर में दिया है एडिशन, और ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन ये गलत आंसर है, आपको क्या करना है, सही आंसर के जोड़ी लगानी है, मैच द इक्वल नंबर्स इन थ्री कॉलम्स। तो तीनों जगह आपको मैच करना है, ये यहाँ पे है या ये यहाँ पे है, ये आपको मैच करना है। तो हम देख लेते हैं पहला बच्चों, तो क्या है देखिए, ये पढ़ना है 14, FORTWN है, 14,000 प्लस। तो 14,000 कहाँ पे है, इधर हम देख लेते हैं। तो 14,000 मतलब मालूम है आपको कि 14,000 ये है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये है, क्योंकि यूनिट, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, और 10,000 मतलब हम बोलते हैं 14,000। ये तो हमारा आ गया। अब आगे का है ये देखते हैं, प्लस, तो प्लस साइन आ गया बच्चों, और 300 है बच्चों आगे, तो 300 यहाँ है, तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, तो 300 है हमारा। तो हम इस कॉलम को मैच कर लेते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा मैच हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे आंसर कहाँ पे है, इसका हमें क्या करना है, हम एडिशन देखे थे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आपने देखा था एडिशन करने के लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल एडिशन करके आपको नंबर को निकालना है। तो जीरो है, जीरो है, तो जीरो आएगा, तो जीरो कहाँ पर है, इधर है, इधर है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं जीरो, नहीं तो हम लिख लेते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो हो गया, मैंने यहाँ लिखा, तो मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जीरो है, जीरो है, जीरो लिखा मैंने। अब देखिए ये टेंस प्लेस में जीरो है, ये जीरो है, तो जीरो लिखा। अब ये जीरो है और ये थ्री है, तो आपको पता है नंबर जीरो होगा तो वही नंबर आएगा, तो मैंने थ्री लिखा बच्चों। अब हमारा ये 14 रह गया है, इधर नंबर नहीं है, तो हमें 14 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से आपको करना है। तो ये आ गया हमारा, तो 14,300, तो हम यहाँ मैच करेंगे इसको बच्चों। तो ये हमारा यहाँ मैच हो गया है, तो ये हमारा यहाँ पे मैच हो गया। तो देखिए अच्छे से करिए मैच, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ मैच हो गया है। तो ये मैच हो गया यहाँ पे हमारा बच्चों। अब हम सेकेंड देख लेते हैं बच्चों, तो सेकेंड में हम क्या देखेंगे, सेकेंड में है देखिए, पढ़िए 2000 प्लस 90, 2000 है। अगर यहाँ पे देखें आप, तो टू यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है, पर फिर 2000 है या नहीं वो भी ले देख लेते हैं बच्चों। यूनिट है, टेंस है, हंड्रेड है और थाउजेंड है, तो 2000 हो गया प्लस 90,
तो 90 तो आपको पता है ये 90 है, तो ये तो हमारा आ गया बराबर। तो हम मैच कर लेते हैं बच्चों, तो ये कॉलम हम मैच किया, सेकंड कॉलम यहाँ पे मैच करना है, तो ये हमने मैच किया सेकंड कॉलम, तो यहाँ से सेकंड कॉलम यहाँ पे मैच किया है। अब हम देख लेते हैं ये नंबर कहाँ पे है, तो ये नंबर हम देखना है तो हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से पता करेंगे बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो जीरो आ गया, तो मैं लिख लेती हूँ ये जीरो है और ये जीरो है, तो जीरो आ गया। देखिए बच्चों, टेंस प्लेस में जीरो है, सॉरी हम कहाँ पे देख रहे हैं, ये ही देख रहे हैं क्योंकि हमने ये मैच किया है, तो ये जीरो है, जीरो 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 आ गया। अब आपको आसान आसान है, जीरो है नाइन है, तो जीरो में नाइन ऐड किया तो नाइन ही आ जाएगा बच्चों। अब आगे तो नंबर यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, टू नंबर्स है, तो ये 20 ऐसा ही लिखेंगे, तो कितना आ गया बच्चों 290। तो ये 290 अब ये कहाँ लगाना है आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए लगाते हैं 290। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, तो ये 290 आ गया। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए बच्चों, पढ़ना भी चाहिए, पढ़िए आप भी 509। अब 509 कहाँ है, तो ये है हमारा 509। देखिए पढ़िए, यूनिट टेंस 100, 509 हो गया, तो ये हमारा 509 है। आगे भी देखते हैं 100 है प्लस 100 है, तो ये अब हमने नंबर में यहाँ लिखा था प्लस, तो यहाँ साइन में लिखा है बच्चों, कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमको प्लस साइन में दिया है, तो प्लस साइन है और 100 है, तो यहाँ हमने 100 है, तो हम कॉलम मैच करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हमारा मैच हो गया है कि थर्ड 100 और ये मैच करना है हमें, तो ये हमें मैच कर दिया। अब हमें देखना है बच्चों कि क्या देखना है, तो इसका नंबर कहाँ आएगा, तो चलिए एडिशन कीजिए, हॉरिजॉन्टल एडिशन, जीरो और नाइन नाइन, तो नाइन है क्या इधर देखते हैं, तो ये नाइन है, तो इधर तो कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये नाइन है, तो नाइन और जीरो नाइन आ गया है हमारा। अब ये जीरो और ये जीरो का एडिशन करेंगे टेंस प्लेस का, तो जीरो आ जाएगा, और फाइव और वन का करेंगे हंड्रेड प्लेस का, तो सिक्स आ जाएगा बच्चों, तो हमारा ये कॉलम भी मैच हो गया है, तो ये हमारा यहाँ पे मैच हो गया है बच्चों, तो हमारा यहाँ ये आ गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों आगे बढ़िए, 99,000 प्लस 702, तो 99,000 कहाँ पे है देखना है आपको, तो 99,000 ये है बच्चों। यूनिट्स पढ़िए, यूनिट्स टेंस 100 और 1000, 10,000 मतलब 99,000, तो आ गया। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, 702 है, तो 702 है, तो ये हमारा कॉलम मैच हो गया, तो ये हम मैच करेंगे यहाँ पे। अब बच्चों ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल एडिशन के द्वारा कि क्या आएगा इसका, तो इसका क्या आएगा अभी, तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो पहले यूनिट प्लेस देखेंगे, टू और जीरो का जीरो आ जाएगा, टू और जीरो का कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा नहीं, तो टू और जीरो का टू आ जाएगा, क्योंकि टू में अगर जीरो ऐड किया तो टू आता है, जीरो नहीं, तो हमारा यहाँ टू आ गया बच्चों। अच्छे से देखिए आगे है हमारा कौन सा टेंस, तो जीरो जीरो है बच्चों, तो जीरो का जीरो का जीरो आएगा, तो ये बराबर है यहाँ पे। अब ये जीरो है बच्चों,
यस सेवन है, तो जीरो और सेवन सेवन होते हैं बच्चों, सेवन में जीरो ऐड करें या जीरो में सेवन तो वही नंबर आएगा, तो ये हमारा सेवन हो गया बच्चों। अब ये यहाँ पे तो नंबर नहीं है बच्चों, आगे थाउजेंड प्लेस नहीं है, तो ये 99 वैसा ही आएगा यहाँ, इसलिए हमारा ए आंसर है। तो चलिए मैच कीजिए कॉलम को, तो कहाँ पे करना है देखिए अच्छे से, तो ये हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ से हम मैच कर देते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो कैसा करना है, तो आप नंबर्स पढ़िए, एडिशन कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।